बेटा कुछ खाने कुछ नहीं सुन लेने मेरी ऊपर आले किस तरह दिल समझाऊं मैं लाते ना वो टाइम पुराना पापा खान का कुछ करने देव बाबा बेटा परमात्मा मालिक जरूर देगा खान का तो देवगा जरूर लाऊंगा बेटा चल मेरा बेटा ना ताजे ताजे कपड़े दिला के लाऊंगा मिठाई दिला के लाऊंगा पटाखे दिला के लाऊंगा चल आज बेटा दिवाली है खूब खुशी मनावांगे चल देख पापा दिवाली का सामान दिला के लाया है तो पापा ना करा भी आओगे दिवाली का सामान मिठाई कपड़े आऊंगे बेटा मालिक ने सुख चाह तो सब आओगे बेटा तू थोड़ी देर खेल बेटा घरा माया दो मिनट में दिए ले लो दिए दिवाली खातर दिए दीवे ले लो दीवे दीवे ले लो दीवे आया भाई आया कुलिया कालिया फालतू कर लूंगा तेरा कि दिवाली का टेम है घरा लगाइए एक एक शहीदा का नाम का जरूर लगाइए दिमाग खराब है 500 रुपये दे दे 200 रुपये लेने गए ना मेरे भी गरीब आदमी हूँ मेरे भी बालक है मैं भी पैर नहीं हूँगा 500 रुपये ठीक है भाई तो 500 रुपये दे दे ठीक महंगे रखे मैंने मेरे भरोसे बालक पड़ा दूर 500 बालक भी बाट देखे हैं 500 रुपये ठीक महंगे रखे हैं मैंने चल तो मैं खोलता पकड़ा बनाई पहले 500 रुपये दे दे दिनेश बनिया पिन ले आऊंगा ठीक तो दे हुआ वो दिन दिवाली गरीब आदमी की दिवाली नहीं घर बालक बाट देखे हैं मिठाई तक कोई दिवाली दीवे लेगा आजकल सारे चाइनीज सामान खरीदने लगे दीवे ले लो दीवे राम राम जी अरे राम राम के बच्चे स्कूल में क्या तू नहीं आ रहा तू रे घर काम हो गया था जी तने रोजे काम रहे हो झूठ बोल रहा है ना जी हो गया था जी तेरा घर आके नहीं पड़ेगी से घर के लागे मन तेरे जमा ध्यान कौन देते के कर रहे तेरे मां बाप मन नो नहीं बेरा जी के काम करया कर मन तो 8 बजे सुवा दे हैं राम राम मस्त जी राम राम कित घूमो मस्त जी अरे कित घूमा दिवाली से नोचा बड़ा खातर लिया वहां सामान जाकर थोड़ा बहुत हां दिवाली सामान तो मन ने भी लेना है वहां का खातर चल फिर तन्नू चल चल दीवे ले लो दीवे दिवाली खातर दीवे दीवे ले लो दीवे ग्रास है कोई दीवे ले लो दीवे चाची दिवाली आई दीवे ले ले चाची ले ना भाई हम तो तेरे दिए चाची चाइनीज बैठे हैं मेरा भी काम चलेगा ले ले चाची ना भाई किसा फिट है तो बालक भी घर बाट देखे है ले चलो आगे देखो अरे के जाओ मालिक बाट देखा दिवाली का टाइम आ रहा है अच्छा अच्छा के सामान बेचना है सामान बेचना अरे दुकान पर तो ठीक से है पुराना तू बड़ा सीधा हो
तेरा मुंह को सुझा सुझा रहा है क्या क्या भाई पूछा ना कल तेरी भाभी का जन्मदिन था अच्छा और केक लेन भी क्या आगे सूझगी तुमने बेरा होगा तेरी भाभी का नाम है तपस्या और उसकी लिखना लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या फिर के था समस्या मेरा आएगी मर मर के जो गरीब लड़ाई तुम्हारी रोज हो है अच्छा और तेरी भाभी ठा के बेलन मेरा मार है आके लाग जे तो वहाँ सनी मास हूँ नौकरी छुटवाओ मेरी मेरी बात सुन दिख तो जाइए देख दिवाली का त्योहार है यार तू सही मतलब तना मजा दे दिया एक दो बात और बता दे यार एक बार की बात भाई मेरी तेरी भाभी का लड़ाई होगी अच्छा लड़ाई होंगे उसने यू सर के मरे मेरे मुंह पर थप्पड़ मेरा कसूता दर्द होया मन उठता है ना दो टेके एक उरला गाल पर एक उरला गाल पर मैं ब्रेड सिगरेट हो उसके भी मार दिए और दो मार दिए सर मर्दे उसका उठ गया पूरा छो पूरी गुस्सा उसने गुस्सा में उठा लिया लठ मैं तो बैठ के बैठ तड़प गया और डोब दिया इतनी डोब दिया कुकुर नू बोली तेरी भाभी दम है तो बाहर निकड़ मैं ब्रेक के बोलिया मैं बोला मेरा घर जी करेगा उड़ बैठूंगा इसके नारे फंडे भाई भाई जान दो भाई अरे सुनो भाई जान दे तो इस दिन नो करा अपन जान दिवाली का सामान है चाइनीज का माल है दीवे लो दीवे तो कोई नहीं देता राम राम जी राम राम इतना लेट क्या था लेट की के बताऊं जी जी राम दो जने फेट गए और मेरे स्वाद लेने लगे मैं उनके लिए आया मैं कुछ गह रखा हूँ इनके तो स्वाद लेने ही पड़ेंगे श्रीलंका जब तुम चाइना में ब्याह नहीं करवांदे तो चाइनीज समाज के सामान क्या ले हो इस नकड़ा दुकान पर लहरा है तेरा नाश कर देगा यू सेठ जी दे देना कितने पीसे हो गए सेठ जी 3000 रुपये हो गए भाई इस सामान के 3000 रुपये हाँ सेठ जी की मैं शर्म कर लियो दिवाली का टाइम है नो को दिवाली का टाइम आ जाते तो ठीक लात रह ओ तेरी को तू सड़म रो इसका अच्छा तो दिवे बेचनिया सही था मेरे यार वो बेचनिया खराब रखा है वो खराब रखा है रही उस चाइनीज सौदा अरे मैंने उस दीवाल के धक्के मेरे बेचारा खाम खा पकड़ अपना तू ले ले भाई मैं नहीं लेंदा यू मैं तो चल लिया
रात तू ले होगा तू भी नुआ जाओगा भाई जब तेरा बोल लगा नहीं रहते तो सूख रहा ठीक है। अरे जब मेरा मित्र ही नहीं लेंदा इस चाइनीज माल में मैं कुकर ले लूंगा ना तेरा भाई तेरा दीवे कौन बिके ना भाई मेरे तो कौन ही बिके मेरे तो सारे बिक गए यार। ठीक सब भाई तेरे बिक गए तो मैं भी बेच के आऊंगा ले और भाई बेच आइए जाऊंगा। ताई हाँ भाई वो दीवे बेचने वाला देखा गए देखा नहीं उन्हें गया भाई नून्ना हाँ दिवाले हाँ भाई और भी कसर लगी कि मैं धक्के मारने की अरे ना धक्के मारने की नहीं भाई दिवे दे यार भाई तू मेरे पे कड़े लेवा था तो दिनेश पानिया पे लेवेगा ना ऐसा कुछ नहीं भाई मैंने बेरा पटका घर पर चाइनीज चीज नहीं लेगी ना अपने मिट्टी के दिवे हैं ये जलाने चाहिए भाई काम कर दो। हाँ भाई ये सारे दिवे दे दे मैंने कितना के हैं सारे हाँ सारे ले ले भाई ले भाई सारे ले ले क्या रुपया कितने हैं ये भाई तेने 700 रुपया की दे दूंगा टेंशन ना ले मेरे यार मना दिवाली तो भी ला भाई पीछे ले दो भाई तो है नहीं मैंने मेरी ईमानदारी जी अरे ईमानदारी भाई मेरी तरफ तो बड़ा कहाँ तेरे मिठाई ले जी कोई दिक्कत नहीं अरे ये तो तेरे बहुत अच्छी चीज है यार अपने देसी चीज अपने मिट्टी की चीज घर जला भाई ये मैंने साथ से भाई भाई कोई बात नहीं भाई मेरी तरफ तो मिठाई ही बड़ा कहीं वाह तो बहुत बढ़िया होया तो घर बड़का खातर मिठाई ले चलना है घर कपड़े कुपड़े ले जाए बड़का खातर बुआ छोटी मम्मा छोटा छोटा हाँ जी एक बात बताओ आप भारत देश के नागरिक है चाइना अपना पर हमला करने लग रहा पाकिस्तान का साथ देने लग रहा और आप भी इन चीजा न बेचो मन भी क्यों नहीं करनी नौकरी नाकरी ओहो जब मेरा कोई सामान नहीं लेंदा मेरा काम करनी बालक भी छोड़ के भाज गए और चाइना अपना दुश्मन मैं भी देश का दुश्मन होया आज पास मैं भी कौन बेचता ये सामान मैं भी चल लूंगा ल बेटा मिठाई का डब्बा और कपड़े उस मालिक का घर देर है पर अंधेर नहीं अपनी भी दिवाली बन गई बेटा हैप्पी दिवाली दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं जैसा कि दोस्तों आपको इस वीडियो में दिखाया गया है कि चाइनीज सामान से बचो और अपने घर में देसी घी के दिए जलाएं मिट्टी के दिए देसी घी के चाइना वैसे अपना दुश्मन बढ़ रहा है तो हमने वैसे भी विरोध करना चाहिए इन चीज़ों का और अपने जो देसी चीज है उनको अपनाना चाहिए अपना भारत देश की इसी में अपनी तरक्की है इसी में अपनी भलाई है। दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे पंडित जी भगत रामपाल शर्मा जी आपको क्वेश्चन देना चाह रहे हैं कुछ आपको बताएंगे उनके बात पर भी बोल दीजिएगा। श्री दादा सताजी महाराज की जय हो। श्री दादा सताजी मंदिर की तरफ से सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दीपावली के त्यौहार पर विशेष बात ध्यान में दिलाई जाती है कि दीपों के पर्व दीपावली पर सभी भगत जन देसी घी का प्रयोग करें लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए देसी घी के दीवे जलाएं क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वापस आए थे तो उनके आने की खुशी में लोगों ने देसी घी के दीवे जला करके देसी घी की मिठाई का ही प्रसाद ग्रहण किया था। आप सभी जो लक्ष्मी माता की प्राप्ति के इच्छुक हैं सभी से दीपावली का संदेश है कि देसी घी का प्रयोग करें दीप घर में एक जलाएं या कितने भी जलाएं देसी घी के ही जलाएं और मिठाई भी देसी घी का प्रयोग करें। एक बात और लाइक करियो कमेंट करियो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो शेयर करियो धन्यवाद।